है अच्छा मुझे क्यों मारती है मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Welcome to my Desi Life in UK. अगले वीक ईद है and this was our Eid prep week. So I thought क्यों ना vlog कर लिया जाए कि how we eat prep in UK. तो start करते हैं Friday से. तो मुझे ये खजूरें दी थी मेरे कोलीग ने. ये उनकी बेटी ने खुद बनाई थी and these were so yummy. उसके बाद एक गिफ्ट और भी मिला था हमारी बॉस की तरफ से सब ऑफिस स्टाफ को और वो हमें हर ईद उल फितर पे कोई ना कोई चीज़ हमें गिफ्ट करती रहती हैं. सो आई गॉट ऑफ फ्रॉम वर्क अराउंड 4 एंड देन आई वेंट टू जिम. शुक्र है इस रमजान मैंने अपना वेट मेंटेन ही रखा, बिल्कुल भी गेन नहीं किया जो कि बहुत मुश्किल था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया. लव और हेट वाला जो ट्राइंगल यहाँ पे बन चुका है. मैं बड़े मज़े से अपने साथ ही पानी वाली बोतल ले आई हूँ जिम में और मैं भूल गई थी कि आज मेरा रोज़ा है, यानी कि क्या बनेगा मेरा. अच्छा गाइस, इशू ये है कि आई रियली वांट टू लूज माय वेट बट माय वेट डजंट वांट टू लूज मी. कि मैं जितना अपने वेट से दूर भागती हूँ मेरा वेट जो है उतना मेरे पास आता है. बट कोई बात नहीं, लगातार मेहनत करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी ना कभी तो मेरा वेट मेरी जान छोड़ ही देगा. अच्छा खजूरें तो उसी दिन खोल के हमने खा ली थी अफ्तारी में एंड दीज वर सो गुड. एंड गिफ्ट जो है वो हम खोलेंगे किसी अगली वीडियो में. और भी मुझे बहुत से गिफ्ट मिले थे तो सारे हम एक ही बार खोलेंगे. अच्छा अभी हो रहे हैं रात के 1 और मेरे भाई की नाइट शिफ्ट होती है तो उसको मैंने अभी पिक किया उसके काम से एंड नाउ हम पेट्रोल डालने आए हैं. तो वो है मेरा भाई पेट्रोल डाल रहा है. एनीवेज मैं ये खा रही हूँ एंड दीज आर सो गुड. सो या अच्छा तो आज सहरी मैंने बनाई और सबने खाने थे पराठे तो मैंने सबके लिए मज़े मज़े के पराठे बनाए. आई लर्न कुकिंग व्हेन आई वाज इन यूनी. सालन तो बना ही लेती थी पर रोटी और पराठे मैंने यूनी के बाद बनाने सीखे. मैं वैसे उल्टा चलती हूँ, लोग पहले रोटी बनाना सीखते हैं और फिर पराठे, बट मैं बड़ी कोई VIP किस्म की बंदी हूँ तो मैंने पराठों से ही स्टार्ट किया था. राइस में ना तो मुझे बिरयानी बनानी आती है ना पुलाव, बट चाउमीन जो है ना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, लाइक प्रोफेशनल किस्म के. मामा ने आके सारे शीट्स खोल दिए एंड लाइट आ रही है. ऐसा नहीं था कि पहले भी लाइट नहीं आती थी, पहले भी लाइट आती थी इन शीट्स के साथ और अभी और लाइट आ रही है. जब कम शीट्स खुलते हैं तो कम लाइट आती है, जब ज़्यादा शीट्स खुलते हैं तो ज़्यादा लाइट आती है. अभी मैं बेड पे लेटी हूँ एंड दिस इज माई व्यू. तो कल मेरी कज़न आई थी मेरे घर नाइट स्टे के लिए और मेरा भाई उनके घर गया था फॉर अ नाइट स्टे. सो बेसिकली हमने वट्टा सट्टा किया था. मैंने अपने भाई को वहाँ सट दिया था कि जाओ भाई जान छोड़ो हमारी, और मैं ले आई थी अपनी कज़न को अपने घर. तो बस हमारा जो एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा था और इसके बाद मैं चली गई डायरेक्ट घर. सो आई एम बैक होम एंड अभी जाना है हमने तायाबू की गिरफ्तारी के लिए. सो कपड़े प्रेस करने हैं, मेकअप करना है एंड देन विल हेड आउट. सो दिस इज द आउटफिट आई एम गोना वेयर टुडे. ये मैंने लिया था लाइमलाइट से और सिर्फ एक दफ़ा पहना था एंड इट्स माई सेकेंड टाइम वेयरिंग दिस आउटफिट. इस पर हर तरफ बहुत खूबसूरत कढ़ाई हुई हुई थी एंड आई रियली लव दिस सूट. स्लीव्स पर भी बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ था एज वेल एज ऑन नेक, और बॉर्डर पे भी बहुत अच्छा काम हुआ हुआ था. बैक इसकी बिल्कुल प्लेन थी, इसका जो दुपट्टा था वो भी प्लेन था, कोई काम नहीं हुआ हुआ था, और इसके साथ था गोल्डन कलर का ट्राउज़र. अब बारी थी मेकअप करने की और मेरे पास सिर्फ आधा घंटा रह गया था तैयार होने के लिए. मेकअप रूटीन मैं बाद में शेयर करूँगी बिकॉज आई फील लाइक इट्स अ फुल वीडियो ऑन इट्स ओन.
तो मैं हो गई हूँ तैयार एंड दिस इज द फाइनल लुक एंड मेरा ट्राउजर एनी वेज दिस इज द फाइनल लुक एंड आई लव इट. बहुत प्यारा सूट है ये और इसके साथ मेरे पास मैचिंग स्कार्फ भी था तो मैंने वो पहना है. अच्छा तो खाना खा के हम टाइम से निकल आए थे और घर पहुंच गए थे अराउंड 10. और घर आते साथ ही मामा ने लगा दिया ड्रामा. यार वो ड्रामा नहीं जो औरतें लगाती हैं वो वाला नहीं, बल्कि ड्रामा सीरियल. तो हमने वो देखा. उसके बाद मामा ने बनाया था मिल्क शेक और इसके अंदर मामा ने वनीला आइसक्रीम भी डाली थी जिसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था. तो बस जल्दी से मिल्क शेक ख़त्म किया और मैं चली गई सोने. अच्छा तो अब आ गया था संडे एंड टुडे वाज़ अ ग्रोसरी डे. अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्वेटर पहनूं या जैकेट पहनूं, पर मौसम तो ठीक है, इतनी ठंड नहीं लग रही, बट टेम्परेचर देखा तो पर काफ़ी ठंड बता रहा है. सो मैंने और मामा ने जाना था मैनचेस्टर सुपर स्टोर. इट्स अ पाकिस्तानी स्टोर और यहाँ से हर किस्म का हलाल पाकिस्तानी देसी चीज़ें मिलती हैं. कम है बाकी सही है. तीन ले लें सब पीते हैं. छुप के डाल तुमसे पहले भी देख ली. क्यों वो बस मैं एक लूंगी कसम से सिर्फ एक. चलो पाली का इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं. ये 12 अस्सलामुअलैकुम गाइस. आज है मंडे. ईद कभी भी हो सकती है, ट्यूसडे को भी हो सकती है, वेंसडे को भी हो सकती है, डिपेंड करता है. हम मनाते हैं ईद सऊदीया वाले के साथ क्योंकि जिस मस्जिद को हम फॉलो करते हैं वो मस्जिद सऊदीया की है. तो सारी बात हम ईद भी फिर उन्हीं के साथ करते हैं. तो एनीवेज ये थी हमारी अपडेट एंड अब मैं जाऊँगी काम करूँगी. बहुत सारा काम है करने के लिए क्योंकि फिर ट्यूसडे या वेंसडे मेरा ऑफ होगा. ऑफ तो नहीं बट हाफ डे होगा. बट एनीवेज एंड लेट्स गो. ओके तो मुझे ऑफिस जाते साथ ही एक प्रेजेंट और मिल गया था मेरी कोलीग की तरफ से एंड आई वाज रियली रियली हैप्पी एंड रियली एक्साइटेड. इतने गिफ्ट्स कैसे मुझे अपनी बर्थडे पर भी नहीं मिलते जितने मुझे ईद पर मिलते हैं. तो यार मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी ईदी से भी और गिफ्ट से भी. आफ्टर वर्क आई वेंट टू बूट्स. आई नीडेड टू बाई सम स्किन केयर एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स क्योंकि मेरे पुराने वाले ख़राब हो गए थे और सही तरह ब्लेंड नहीं कर रहे थे. सो आई गॉट दैट. और भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो भी मैंने ले ली थी क्योंकि सारी बात है एक ही बार चक्कर लगते बार बार तो चक्कर लगता नहीं. तो मैंने कहा एक बार आ ही गई हैं तो ले लें. मैं पिछले 15 मिनट से अपनी गाड़ी ढूंढ रही थी एंड फाइनली आफ्टर माई कार हंट मुझे मेरी गाड़ी मिल गई है. अच्छा मैं ये सारी चीज़ें ऐसे हाथ में लेके घूम रही थी क्योंकि आई डेंट वॉन्टेड टू गेट 20p पेपर बैग. 20p इज़ लाइक पाकिस्तानी 100 रुपया. ठीक है तो मुझे जो है ना अपना 100 रुपया बचाना था तो इसलिए मैंने कोई बैग नहीं लिया. सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस इंकी की हाइलुरोनिक एसिड. आई लव इंकी का ब्रांड. इनकी जो स्किन केयर है ना इट्स द बेस्ट. देन आई गॉट दिस ब्यूटी ब्लेंडर्स बाय रियल टेक्निक. आई रियली लाइक हाउ इट कम्स इन अ पैक ऑफ 3 और डिफरेंट साइजेस हैं इसके अंदर एंड ईच साइज इज़ फॉर लाइक डिफरेंट एरिया. देन द लास्ट थिंग इज दिस E45 मॉइस्चराइजर. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम यूजिंग इट एंड आई हैव हर्ड रियली गुड थिंग्स अबाउट इट. सो ट्राई करके बताऊँगी कि कैसा है. अच्छा तो वक्त हुआ जाता है जिम जाने का. आज मेरी पर्सनल ट्रेनिंग है एट 6 और अभी 5 हो रहे हैं तो आई स्टिल हैव 1 आवर लेफ्ट. बट ट्रैफिक भी होगी एंड देन मुझे चेंज भी करना है. सो मुझे जल्दी जाना है ताकि मेरे ट्रेनर से बेइज्जती ना हो और जल्दी जाना है एंड जल्दी वापस आना है. सो लेट्स गो. मुझे आ गई नहीं करे ना भी करते ना फिजिकल है. पापा यहाँ पे ब्लॉग बना देंगे.
मैं यहाँ पे सोशल सर्विसेज वालों को दूंगी। क्या होते हैं आपकी उम्र नहीं है क्या सोशल सर्विसेज आके कुछ अच्छा तो ईद के जोड़े के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं। एक है ये पहला ऑप्शन एंड दिस इज़ फ्रॉम लाइमलाइट और ये जो साइज़ है ये लार्ज है। बहुत प्यारा सूट है, इसका जो कलर है मुझे बहुत पसंद आया था और इसका जो गला है बहुत प्यारा है। इस पर जो है चुनरी का काम हुआ हुआ है एंड आई लव चुनरी। स्लीव जो है इसके बिल्कुल प्लेन थे, सिर्फ पैटर्न बना हुआ है एंड देन इसका कोई बॉर्डर नहीं है, बट बहुत प्यारा जो है गोल्डन कलर का इस पर प्रिंट हुआ हुआ है। अच्छा जो इसका दुपट्टा है इस पर भी कोई काम नहीं है, कोई फैंसी नहीं है, बट बहुत प्यारा इस पर डिज़ाइन हुआ हुआ है एंड मुझे इसका सूट का जो कम्बिनेशन है बहुत अच्छा लगा था। अच्छा ये है मेरा सेकंड ऑप्शन और ये मैंने लिया था कस्तूर से। मैं भी आपको ना खोल के दिखाती हूँ। अच्छा तो ये है उसकी शर्ट, नेक पे जो है बहुत प्यारी लेस लगी हुई है एंड बहुत प्यारा ब्लैक कलर है। इसका जो सब काम है ना वो हुआ हुआ है बाजू पे और इसके बॉर्डर पे, बहुत प्यारा इसके बॉर्डर पे काम हुआ हुआ था और ये सूट मुझे बहुत पसंद आया है। एंड दिस इज़ द ट्राउज़र, ट्राउज़र के बॉर्डर पे जो है लेस लगी हुई थी बहुत प्यारी अगेन, जो नेक से मैच कर रही थी। और ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टे पे भी जो है लेस लगी हुई थी बहुत प्यारी और बहुत अच्छा जो है इस पर लुक आ रही थी। गोल्ड और जो वाइट का जो कम्बिनेशन है बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा तो आज है ट्यूसडे एंड आज भी मुझे कुछ गिफ्ट्स मिले, चॉकलेट्स मिली बेसिकली और मुझे फाइनली अपनी सेफ्टी वेस्ट मिल गई। काफ़ी अरसे से घूमी हुई थी, लाइक 2 महीनों से घूमी हुई थी और मुझे मिल नहीं रही थी और किसी ने बहुत ही बुरी हालत में इसने मुझे दी थी और इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नासाज थी। मुझे लगता है कि इसको ना मांझ मांझ के अपने हाथों से धोना पड़ेगा, तब जाकर इसकी गंदगी और मैल उतरेगी। चांद रात मुबारक गाइस। तो आज है चांद रात और चांद नज़र आ चुका है। कल है ईद बट कल मैंने ऑफिस जाना है एंड मैं बना रही हूँ हलीम, क्योंकि कल हमारे घर खाना भी है दोपहर का। तो मसला ये हो गया था कि मैं हलीम के 2 अलग अलग डब्बे ले आई थी। एक में जो दाल थी वो पाउडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी हुई हुई थी और दूसरी जो थी बिल्कुल साबित थी। टाइम कम था, मैं चेंज भी नहीं कर सकती थी, कुछ ना कुछ करके मैंने लाइक हाफ बना ही ली और हाफ जो मेरी रह गई थी वो मैंने कल ऑफिस से आके बनाई थी। क्योंकि हमारे घर में हो रही थी 1 डिश पार्टी तो मैं बना रही थी हलीम और एक स्वीट डिश भी मैं कल ही बनाऊंगी एंड पहली बार बना रही हूँ जो भी बना रही हूँ एंड इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। अच्छा तो अभी हो रहे हैं रात के 2 और मेरी हलीम जो वो तैयार हो गई है और अभी मैं पीने लगी हूँ अपनी फेवरेट ड्रिंक। जब भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं बीमार होने लगी हूँ, गला ख़राब होने लगा है, तो मैं फटाफट ये बना लेती हूँ एंड इट इज़ सो गुड फॉर यू। बस नीम गर्म पानी के अंदर आपने हल्का सा हनी मिलाना है, अगर आपका दिल करे तो आप इसमें हल्का सा लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने ऐसे ही बनाई है। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।